नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः नवजून क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उस टॉपिक का नाम देखिए, अकबर की राजपूत नीति। एक मुगल शासक हुआ था अकबर, उन्होंने किस प्रकार राजपूतों को अपने अंडर में किया। कि अकबर कहाँ का था? अकबर वैसे तो भारत का था, लेकिन जो अकबर के पूर्वज थे, अकबर के पिता थे, अकबर के दादा थे, वो आए थे बाहर से। तो अकबर ने हमारे भारत के अंदर जो राजपूत थे उनको किस प्रकार अपने अंडर में किया, वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के अंदर 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक, कब 7वीं से लेकर 12वीं सदी के अंदर यहाँ पर किस वंश का शासन था। यहाँ पर उस समय शासन था राजपूतों का, और उस काल को कहा जाता है राजपूत काल। क्या कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक को। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ था, हिंदू राजा, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, देखो अकबर की राजपूत नीति, पृथ्वीराज चौहान था, वो था राजपूत, अजमेर का चौहान था। तो देखो दोस्तों, जब 13वीं शताब्दी में हमारे इस भारत पर आक्रमण किसके शुरू हुए? यहाँ पर आक्रमण हुए तुर्कों के। किसके? तुर्कों के। और तुर्क में कौन था? मोहम्मद गोरी था। उनके बाद गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैद वंश आया और लोदी वंश आया। लोदी के बाद यहाँ पर मुगल आए, तो तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो तुर्कों के अधिकार के बाद में 16वीं सदी तक, एक 1526 की एक बात बता रहा हूँ आपको। 1526 में कौन भारत आया था? बाबर भारत आया था, मुगल वंश का। उस समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर अधिकार था लोदी वंश का। किसका था? लोदी वंश का था। और लोदी वंश का उस समय राजा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 में एक युद्ध होता है बाबर का, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी युद्ध के बाद में भारत के अंदर मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी। तो ये बात कर ली, देखो आगे देखो क्या कुछ होता है। देखो, भारत में सबसे पहले जो मुगल आया था उसका नाम था बाबर, और बाबर का पुत्र हुआ था जिसका नाम था हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। उनके बाद आया था अकबर। तो हम बाबर की राजपूत नीति क्यों नहीं पढ़ते हैं, हुमायूं की राजपूत नीति क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ अकबर की राजपूत नीति क्यों पढ़ते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, बाबर जब भारत आया था तो बाबर को भारत से बाहर भगाने के लिए आपके मेवाड़ का एक व्यक्ति है जिसका नाम है राणा सांगा ने अथक प्रयास किया था। और राणा सांगा ने बाबर के साथ में एक युद्ध किया था। कब किया था? 1527 के अंदर। इस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया? 1527 के अंदर। लेकिन आपका राणा सांगा क्या हो गया? हार गया और बाबर जीत गया। इस कारण भारत के अंदर बाबर की सत्ता कायम हो गई। इतनी बात कर ली। अब देखो एक चीज हम करते हैं हुमायूं के, कि हुमायूं राजपूत नीति के अंतर्गत क्यों नहीं पढ़ सकते। जो ये हुमायूं था, ये था बहुत बड़ा भेमी आदमी। राजस्थानी भाषा की बात करूं, ये मतलब राजपूतों का सहयोग प्राप्त इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। राजपूतों का क्या नहीं किया? सहयोग प्राप्त नहीं किया। इसी कारण 1539 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी यानी फरीद, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। उसमें हुमायूं भारत से बाहर भाग जाता है, क्योंकि ये डर गया था पूरी तरह से। इससे फरीद से, फरीद कौन है? शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम है फरीद। हुमायूं कहाँ चला गया? बाहर भाग गया भारत से, और जाकर यहाँ पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है गंगा नदी में कूद गया। कौन? हुमायूं। गंगा नदी में कूद गया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। और उसी समय एक नाविक था, उस नाविक का नाम है निजाम बिस्ती। कौन? निजाम बिस्ती। और निजाम बिस्ती ने इसकी जान बचाई थी। देखो इस प्रकार आगे देखो, हुमायूं का बेटा हुआ था अकबर। और आज हम अध्ययन जिस चीज़ का करेंगे वो है अकबर की राजपूत नीति के बारे में। ये थोड़ा अंडरव्यू से हमने चर्चा इनकी की है। तो देखो, अब अकबर ने राजपूतों को अपने अंडर में किस प्रकार किया। देखो, अकबर ने राजपूतों को अंडर में करने के लिए तीन चीज अपनाई। एक चीज है, वो है वैवाहिक नीति। कौन सी नीति है? वैवाहिक नीति। वैवाहिक
नीति यानी विवाह करके राजपूतों को अपने अंडर में करना, एक नीति अपनाई वो है संधि के द्वारा, या फिर कह सकते हैं संधि वार्ता। ओके, तीसरी जो चीज अकबर ने अपनाई थी वो है सैनिक कार्रवाई। कौन सी है? सैनिक कार्रवाई। देखो अब इनकी आराम से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चीज लेकर चलेंगे वैवाहिक नीति के द्वारा। देखो अगर वैवाहिक नीति की हम बात करते हैं तो अकबर ने किस किस से विवाह किया था? देखो उस समय जयपुर का शासक था, या कह सकते हैं आमेर का शासक था बारमल। कौन था? बारमल। और इस बारमल की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम है जोधाबाई। क्या है पुत्री का नाम? क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई को कहा जाता है हरकू बाई या फिर हरका बाई। हरका बाई। तो बारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई या फिर हरकाबाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ में। वैवाहिक संबंध की बात कर रहे हैं, और इसी के साथ में हम बोलते हैं ना दहेज या फिर दाइजा। दाइजी के अंदर देखो बारमल ने अपना पुत्र भी दे दिया और बारमल ने अपना पोत्र भी दे दिया। पुत्र का तो नाम है भगवंत दास, ये दाइजी की बात कर रहा हूं, और एक दिया था मानसी। ठीक है, इसी चीज का अनुसरण आपके जैसलमेर वाले शासकों ने भी किया है, और इसी चीज का अनुसरण आपके बीकानेर वाले शासकों ने भी किया है। और जैसलमेर और बीकानेर वाले शासकों ने अपनी बहन बेटियों का विवाह अकबर के पुत्र और अकबर के साथ में स्थापित कर दिया। ठीक है, एक चीज की बात करो मारवाड़ यानी आज का जोधपुर, उस समय वहां का राजा कौन था? जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह था, और उदय सिंह की उस समय एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम है जगत गोसाई। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? जगत गोसाई। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी जगत गोसाई पुत्री का विवाह सलीम के साथ नियुक्त कर दिया। सलीम कौन है? जहांगीर कह सकते हैं। और उसे अकबर का कौन है? पुत्र है। किसके साथ नियुक्त किया गया? जहांगीर के साथ में। तो यह है वैवाहिक नीति। देखिए वैवाहिक संबंध बनाता गया, और साथ में मतलब अगर वैवाहिक संबंध अकबर बनाता है तो अकबर आमेर का क्या हो गया? दामाद हो गया। मारवाड़ का क्या हो गया? दामाद हो गया। जैसलमेर का भी दामाद, बीकानेर का भी दामाद। तो ये क्या है? ये इनके अंडर में आ जाएगी, तो ज्यादा अगर इसको कह सकते हैं कि भाई आक्रमण का भय नहीं रहेगा। दूसरी चीज पढ़ेंगे, वैवाहिक नीति हमने कर लिया है, अब पढ़ेंगे संधि वार्ता के द्वारा। संधि कि किन किन के साथ संधि की गई, दूसरा पॉइंट आता है संधि वार्ता। संधि वार्ता देखो, अकबर ने नागौर के अंदर 1570 में एक दरबार लगाया था, उस दरबार का नाम है नागौर दरबार। नागौर दरबार, इसमें क्या है कि जो भी भारत के अंदर हिंदू राज्य है, हिंदू राजा है, वो अपने को अकबर के अधीन कर सकते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। तो देखो जो भी जैसलमेर है, जैसलमेर का उस समय राजा था, उसका नाम है हर राय भाटी। कौन है? हर राय भाटी। ठीक है, बीकानेर देखो, बीकानेर का उस समय राजा है कल्याणमल। कौन? कल्याणमल। और कल्याणमल के दो पुत्र भी थे, एक पुत्र का तो नाम हमें मिलता है राय सिंह। क्या? एक पुत्र का तो नाम है राय सिंह, और एक पुत्र का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ये भी अकबर के अधीन हो चुके हैं, अकबर की सेवा में। लेकिन महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है राव चंद्र सेन को। देखो मारवाड़, मैं इधर लिख रहा हूं, मारवाड़ से कौन आया था नागौर दरबार 1570 के अंदर? वो आया था राव चंद्र सेन आया था। लेकिन राव चंद्र सेन महाराणा प्रताप से इतना प्रभावित था कि वो यहां से वापिस बिना अधीनता स्वीकार किए चला गया। किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यह है संधि वार्ता के द्वारा किन किन, मतलब किन किन रियासतों को अपने साथ में शामिल किया गया। नागौर दरबार, जैसलमेर, बीकानेर, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ ये भी इनके अंडर में आ गई। मारवाड़ का राव चंद्र सेन था, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और इनका मत बदल गया और यह यहीं से जोधपुर वापस चला गया। एक पॉइंट आपका आता है सैनिक कार्रवाई। देखो अकबर महान था, ये बात बिल्कुल सही है, और अकबर महान भी था, अपनी बुद्धि के कारण महान था। देखो सैनिक कार्रवाई, तीसरा पॉइंट आता है
ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, अगर बीए सेकेंडरी की आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। क्या? सैनिक कार्रवाई। देखो ये कारण क्यों स्टार्ट हुआ, सिंपल सी बात है कि जिस पर कोई संधि का मतलब फर्क नहीं पड़ा, संधि करने भी के पश्चात भी, और कह सकते हैं वैवाहिक नीति का भी फर्क नहीं पड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी तो पड़ती ही पड़ती है। तो सैनिक कार्रवाई किस प्रकार की? देखो देखो सैनिक कार्रवाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 1562 की अगर मैं बात करूँ तो 1562 के अंदर अकबर ने आक्रमण किया था नागौर के मेड़ता सिट्टी पे। कहाँ पर? मेड़ता सिट्टी पे। और मेड़ता का उस समय राजा था जयमल मेड़तिया। कौन? जयमल मेड़तिया। और इस जयमल मेड़तिया का एक क्या था, भतीजा था। उस भतीजा का नाम है कल्लाजी राठौड़। कौन? कल्लाजी राठौड़। यह सैनिक कार्रवाई इस कारण करनी पड़ी, ये मतलब जयमल मेड़तिया था, वो न तो अपनी कोई बहन बेटी का विवाह अकबर के साथ किया था, न उनकी संधि को माना। जब अकबर ने 1568 में यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया, तब यहाँ का शासक जयमल मेड़तिया था, वो यहाँ से भाग कर कहाँ आ गया, चित्तौड़ आ गया। कौन? जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ आ गए। और मेड़ता पर किसका अधिकार हो गया पीछे से? अकबर का अधिकार। उस समय चित्तौड़ का राजा था उदय सिंह। उदय सिंह को आप जानते हो, महाराणा प्रताप का पिताजी है उदय सिंह। ठीक है, तो देखो 1562 में यहाँ पर आक्रमण हुआ, और अकबर ने यह जीत कर 1667 में कहाँ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर। यह दूसरा है, और ये कौन सा है? पहला। पहला किया मेड़ता पे, दूसरा किया चित्तौड़ पे, और चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया। उदयसिंह ने आत्मसमर्पण भी कर दिया, लेकिन उदयसिंह कहते हैं उस समय जंगलों में भाग गए थे अपने परिवार के साथ। परिवार में कौन कौन था? उदयसिंह की दो पत्नियां, क्या नाम है, जयवंता बाई, और एक का नाम है बटियाणी। ठीक है, और दो पुत्र थे, जगमाल थे और महाराणा प्रताप थे। एक शक्ति से भी नाम हमें देखने को मिलता है चित्तौड़। चित्तौड़ जीतने के पश्चात एक आता है 1569, यहां पर आक्रमण किया है रणथंबोर पर। अकबर ने अब तीसरा आक्रमण है वो किया है रणथंबोर पे, और रणथंबोर का उस समय शासक कौन था या फिर राजा कौन था, वो था सुरजनहाड़ा। कौन था? सुरजनहाड़ा। लेकिन आक्रमण करते ही सुरजनहाड़ा ने इनके आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपना जो रणथंबोर वाला एरिया था वो अकबर को वैसे ही सौंप दिया। तो ये है तीन सैनिक कार्रवाई। लेकिन अगर मैं बात करूं मेवाड़ की, तो उस समय मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप, जिससे तो आज सभी लोग कांपते हैं। आज अगर वो नहीं है तो भी लोग उनका नाम लेते हैं तो शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो एक तो था मेवाड़। मेवाड़ को अकबर जीते जी क्या नहीं कर सका, अपने अधिकार में नहीं कर सका। एक आता है वैसे जोधपुर, लेकिन जोधपुर वाला बाद में समर्पण कर दिया था। यहाँ का शासक कौन था? राव चंद्र सेन था। कौन था? राव चंद्रसेन था। और यहां का राजा कौन था? महाराणा प्रताप था। इसी कारण राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का क्या कहते हैं, अग्रगामी कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड वे थे राजस्थान के इतिहासकार। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकार, वो ऐसा कहते हैं कि अकबर ने राजपूतों की सभी स्वतंत्रता नष्ट कर दी। अकबर ने राजपूतों की सभी स्वतंत्रता नष्ट कर दी और उसे जंजीरों में जकड़ लिया और उस पर सोने का मुलमा चढ़ा दिया। ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से अकबर की राजपूत नीति के अनुसार। तो धन्यवाद दोस्तों, ये है अकबर की राजपूत नीति। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, तो चैनल को भी अगर सब्सक्राइब करते हो तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।